फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सेक्शन 37 में थे। एक बार मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेक्शन 37 में क्या कहा गया। सेक्शन 37 में ये कहा गया है कि एक्सपेंडिचर दोज आर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 30-36 आर अलाउड अंडर सेक्शन 37 सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशन। वो सारे खर्चे जो 30-36 में अलाउ नहीं होते हैं, वो आपका सेक्शन 37 में अलाउ होगा, सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस। क्या क्या कंडीशंस है? एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी ऑफ कैपिटल इन नेचर, एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी पर्सनल इन नेचर, एंड पेमेंट्स टुवर्ड्स द एक्सपेंडिचर शुड एक्सक्लूसिवली बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। समझ में आया? तो आपका एक्सपेंडिचर कैसा होना चाहिए? वो कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, वो पर्सनल नहीं होना चाहिए, और वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। अब बात ये उठता है कि एक्सपेंडिचर कैपिटल है या रिवेन्यू है, ये कैसे मालूम चलेगा? आप लोग कमेंट में बताओ, जो कोई भी एक्सपेंडिचर कैपिटल है या रिवेन्यू है, वो कैसे मालूम चलेगा? इनकम टैक्स में एक्ट में कैसे पता चलेगा कि ये एक्सपेंडिचर आपका रिवेन्यू है और ये एक्सपेंडिचर आपका कैपिटल है? कोई रूल नहीं है, जो कोर्ट कहेगा वो सही है। कोर्ट के जजमेंट्स आएंगे, जो कोर्ट के जजमेंट्स होंगे उसके बेसिस पर हम बोलेंगे कि एक्सपेंडिचर ये कैपिटल नेचर का है या रिवेन्यू नेचर का है। समझ में आया? अभी देखिए, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है आप लोग के साथ में डील करने वाला हूं, ठीक है? बहुत ही रिलीवेंट है, आपको सुन के बहुत मजा आएगा। आप बोलो कि ऐसा भी होता है क्या? आपको सुन के बहुत मजा आएगा, ठीक है? तो काइंडली इस केस के आगे आप लोग इंपॉर्टेंट लिख के रखिएगा, डॉक्टर टी ए कुरेसी वर्सेस CIT, सुप्रीम कोर्ट का केस है। डॉक्टर टी ए कुरेसी वर्सेस CIT, सुप्रीम कोर्ट का केस है। क्या हुआ था इस केस में? एक बहुत ही फेमस डॉक्टर हुआ करते थे, ये मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, डॉक्टर थे, और इसके साथ में हीरोइन का बिजनेस भी करते थे। वो बॉलीवुड वाली हीरोइन नहीं, वो जो ड्रग्स होती है हीरोइन, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये जो डॉक्टर साहब थे, इनका एक मेडिकल का बिजनेस था, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, डॉक्टर थे, और दूसरा एक हीरोइन का बिजनेस करते थे। वो हीरोइन मैन्युफैक्चर भी करते थे और सेल भी करते थे। तो सपोज कीजिए, इनका जो मेडिकल प्रैक्टिशनर से जो इनकम था, जो इनका मेडिकल प्रैक्टिशनर से इनकम था, से फॉर एग्जांपल 30 करोड़ का उनका एग्जांपल इनकम था फ्रॉम मेडिकल प्रैक्टिशनर, और गवर्नमेंट अथॉरिटी ने छापा मारा और उनका जो हीरोइन था, जो ड्रग्स हीरोइन जो बना रहे थे, जो सेल करते थे, उसको सीज कर लिया गया और उसका वैल्यूएशन निकाला गया गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा 28 करोड़। समझ में आ गया? तो मेडिकल बिजनेस से उनका इनकम था 30 करोड़, और जिस हीरोइन को कस्टम अथॉरिटी ने या नार्कोटिक्स ने उसको जो रिकवर किया, जो उसको कन्फिस्केट कर लिया गया, उसका वैल्यू था 28 करोड़, ठीक है? डॉक्टर साहब ने क्या किए होंगे? डॉक्टर साहब अपना बिजनेस इनकम दिखाया 30 करोड़, और लेस लॉस फ्रॉम इलीगल बिजनेस, जो भी आपका जो भी स्टॉक को जो भी सीज कर लिया गया, वो तो लॉस हुआ ना, वो तो एक्सपेंडिचर लॉस हुआ, तो लॉस फ्रॉम कन्विस्केट, लॉस फ्रॉम इलीगल बिजनेस बोल के 28 करोड़ को सेटअप कर लिए। क्या हुआ होगा? एओ ने डिजअलाउ कर दिया, एओ ने डिजअलाउ कर दिया। याद है, मैंने 2-3 क्लास पहले मैंने आपको टाटा का केस बताया था कि किस तरीके से टेररिस्ट मनी पे किया गया था, बाद में एक्सप्रेशन 1 को ऐड किया गया, और क्या बोला गया उसमें, ये कहा गया कि आप कुछ भी ऐसा पेमेंट करते हो जो इलीगल इन नेचर है, जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, वो अलाउएबल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा, ठीक है? तो एसेसिंग ऑफिसर क्या किया होगा, एओ क्या किया होगा, एओ एक्सप्रेशन 1 to Section 37(1) को इन्वोक कर दिया, और ये कहा गया कि 28 करोड़ का जो आप हीरोइन जब्त किए हो, 28 करोड़ का हीरोइन जो कॉन्फिस्केट हुआ है, वो आपका इलीगल इन नेचर है, और इसीलिए हम उसको लॉस नहीं मानते, हम उसको उस लॉस को अलाउ नहीं किया, सेटअप को अलाउ नहीं किया गया। समझ में आया? आप लोग बताइए क्या हुआ होगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए और सोच के कमेंट में बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने किसकी बातों को सही माना होगा,
एसएससी की बातों को सही माना होगा या एओ की बातों को सही माना होगा, सोच के बताइए, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। कमेंट में आप लिखिए जो क्या हुआ होगा। देखिए क्या हुआ, अब मैं आपको बोलता, देखिए क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम्पल दिया कि सपोज करो कि आप गोल्ड स्मगलिंग करके ले आ रहे हो, आप गोल्ड स्मगलिंग कर रहे हो दुबई की कंट्री से, और उस स्मगलर गोल्ड की जो प्राइस है वो 50 लाख रुपीज में आपने पे किया था, और इंडिया में उसको सेल करोगे 70 लाख रुपीज में, समझ में आया, इंडियन वैल्यू उसका 70 लाख है और आपने जो बाई किया था वो 50 लाख का गोल्ड है। तो अब क्या होगा, जब ये कस्टम अथॉरिटी जब गोल्ड को सीज करेगी तो क्या करेगी, 50 लाख का गोल्ड तो ऑलरेडी रिकवर कर ली कस्टम अथॉरिटी ने, तो 20 लाख ही उसके ऊपर इलीगल माना जाएगा और 20 लाख के ऊपर ही जो कस्टम अथॉरिटी का जो फाइन होगा वो दिया जाएगा, मतलब 50 लाख को अलाउ माना जाएगा क्योंकि आपने तो गोल्ड ऑलरेडी रिकवर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिजनेस दो अलग अलग है, एक लीगल बिजनेस है एक इलीगल बिजनेस है, जो इलीगल बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस है वो लीगल बिजनेस से सेटअप होता है, इनकम टैक्स में कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया गया है, इनकम टैक्स में लीगल इलीगल बोले कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया गया है, समझ में आया। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो इलीगल बिजनेस का लॉस है, जो कस्टम अथॉरिटी जो नार्कोटिक्स ने आपके ड्रग्स को जब्त कर लिया उसका जो कॉस्टिंग है वो आपका 28 करोड़ का है, तो जैसे ही उसे कॉस्टिंग 28 करोड़ का है तो उसका आपका अलाउएबल एक्सपेंडिचर माना जाएगा अंडर इलीगल बिजनेस, और ये आपका लॉस फ्रॉम इलीगल बिजनेस 28 करोड़ होगा, और जो लॉस फ्रॉम इलीगल बिजनेस 28 करोड़ है उसको प्रॉफिट फ्रॉम लीगल बिजनेस जो मेडिकल प्रैक्टिशनर था उससे आप उसको सेटअप कर पाओगे, समझ में आया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट समझ में आया, सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाहती है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा जजमेंट दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जांपल के साथ कहा था गोल्ड का कि दो अलग अलग लीगल बिजनेस इलीगल बिजनेस है, जो टाटा वाला केस था उसमें तो क्या हुआ था, उसमें आप टेररिस्ट को पे कर रहे हो, आप टेररिस्ट को टेररिस्ट मनी पे कर रहे हो, हफ्ता दे कर रहे हो, प्रोडक्शन मनी पे कर रहे हो, बट यहां पर तो आप इलीगल बिजनेस खुद कंटिन्यू कर रहे हो, तो इलीगल बिजनेस से जो आपका लॉस होगा वो तो एडजस्ट होगा ही ना, ठीक है, क्योंकि अथॉरिटी ने तो 28 करोड़ का हीरोइन तो सीज कर लिया, तो 28 करोड़ का हीरोइन तो अथॉरिटी के पास है, तो ये जो जिस स्टॉक को आपने कन्विस्केट किया वो तो एक्सपेंडिचर अलाउ ही होगा अंडर इलीगल बिजनेस, और इलीगल बिजनेस का वो लॉस था इसलिए वो लॉस आपका एडजस्ट होगा मेडिकल प्रोफेसर के बिजनेस। कंसेप्ट पूरा हिल गया होगा मेरे दोस्तों, ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि इसमें कुछ आपके कंसेप्ट एड ऑन हुए होंगे तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई लव टू रीड योर कमेंट एंड गिव रिप्लाई ऑन दैट, थैंक यू फ्रेंड्स। आप मुझको मेल भी कर सकते हैं, माई मेल आई डी इज टैक्स एक्स फिनेंशियल सर्विसेज @gmail.com, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।